हेलो गाइस, दिस शिवम एंड यू आर लिसनिंग एसआई शो। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का कुछ टॉपिक ऐसा है, ये कुछ अलग सा है। लाइक आपको मैं आज कुछ बताने वाला हूँ कि जो आपके लिए बहुत ही रोजमर्रा में बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे आपके पास एक एंड्रॉइड फोन तो होगा, आजकल सबके पास ही एंड्रॉइड फोन होगा एंड हम लोग सफर बहुत करते होंगे। लाइक कभी कभी स्पीकर धीमा बज रहा होगा, चार्जिंग स्लो हो रही होगी, चार्जिंग कनेक्ट नहीं हो रही होगी, चार्जर टू से जा रहे हैं लगाया जा रहे हैं एंड देन चार्जिंग क्या होती है, स्लो चार्ज हो रही है। तो फिर चार्ज अच्छे से लाइक आप लगाते हो तो वो चार्जर को, ठीक है, ऐसे लगा देते हो बट वो ऐसे करके ऐसे निकल आता है, तुरंत ये ढीला हो गया है या तो फिर माइक नहीं सही से आवाज नहीं जा रही है, चार्जिंग जा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है उस पर, स्पीकर से आवाज धीमी आ रही है, ये सारी चीजें होती हैं। आप क्या करते हो, शॉप पे जाते हो यूजली और शॉप वाले बोलते हैं भैया ये हो रहा है, मेरी दिक्कत चार्जिंग स्लो हो रही है, स्पीकर नहीं चल रहा, तो क्या करते हैं आपसे लेता है, साफ करके आपको दे देता है और अच्छा खासा आपसे चार्ज ले लेता है, 100 रुपए 200 भैया ये खराब है वो खराब है ये कह के आपसे 500-600 रुपए चार्ज ले लेता है कि भैया बोर्ड बदलेगी ये वो पता नहीं क्या बोलता है आपसे एंड आप उसके चक्कर में आके आपको तो पता है इन चीजों के बारे में, आप सोचते हैं भैया बस मेरा सही होना चाहिए, आप उसको देते हो वो ट्रस्ट पे एंड वो क्या करता है साफ वॉफ करके आपको दे देता है एंड देन आप अच्छे से यूज करते हो, आप सोचते बनवा के लाया हूं मैं, कुछ दिन बाद फिर वैसे ही हो जाता है, आप सोचते हो यार लोकल लगाया होगा इसलिए हो गया ये वो, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो नहीं है सर, आपको थोड़ा सा अपना से इंजीनियर बनना है इस लॉकडाउन में, आपको कहीं निकलना विकलना नहीं, मैं घर पे इसलिए बता रहा हूँ कि आप घर पे यूजली अपने घर के सामान से भी चीजों को साफ कर सकते हो, अच्छे से रख सकते हो शॉप की तरह, ठीक है ना। तो कुछ ट्राई करना, अच्छे से आप कर पाओगे तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपने फोन को अपने थोड़ा इंजीनियर बनके, पूरा मत खोल के रख देना कि फोन खोल के रख दिया इंजीनियर हूं, नहीं, नॉर्मल से मैं चीजों को बताऊंगा छोटी छोटी जो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे आपके फोन रोजमर्रा की यूज को बेटर बनाने के लिए। जो पहली ट्रिक ये बताने वाला हूं आपको मैं कि फोन की चार्जिंग स्लो होती है, बहुत लोगों की कंसर्न रहता है कि भैया मेरी चार्जिंग फोन स्लो हो रही है तो बहुत ढीला हो गया चार्जिंग एडेप्टर, अब करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा ये फोन लेना है, आपके घर पे सेफ्टी पिन होगा, फोन लेना है सेफ्टी पिन होगा, मम्मी से मांग लो, नहीं तो मैं तो मम्मी के चुराया हूं, आप जाके इस कॉस्मेटिक की दुकान पे भी 2-3 रुपए का मिलता है, पता नहीं कितने का, मैंने खरीदा नहीं है लेकिन मम्मी का लिया है, तो आप भी मम्मी का या बहन का ले सकते हो। लेने के बाद अपने फोन कैसे लेना है, फोन का जो ऊपर ट्रायंगल शेप होता है ना ऐसे टाइप का, देखिए ट्रायंगल शेप, उसको इस तरह रखना है अपने फोन को एंड देन अपनी सेफ्टी पिन को थोड़ा सा फैला लेना है ऐसे कि हाथ में ना लगे, देन इसको ये चीज ऐसे इसके अंदर ले जाना है एंड देन आप हल्का सा ऊपर जिसकी जैक होता है ना उसमें एक अंदर से पतली जैक बनी है तो उसको नहीं टच करना है, उसके ऊपर स्पेस होता है उस स्पेस में फोन के ये रखना है हल्का सा, उसके बाद हल्का हल्का करके ऐसे ऐसे करके साफ करना है। आप देख सकते हो कितनी सारी गंदगी निकली है, देखो ये देखो गिरी ना, ये सारी गंदगियां भरी होती है जिसकी वजह से आपका फोन ना कभी कभी स्लो चार्जिंग या तो फिर पता है पकड़ता नहीं अच्छे से। देखिए मैं निकालूंगा इसको, ये देखिए इतना बड़ा निकला, ये देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा शायद दिख रहा हो तो आपको ये देखिए ये सारी चीजें होती हैं आपके फोन के अंदर जो आपके फोन को स्लो चार्ज करती हैं, ये तो फोन को अच्छे से कनेक्ट नहीं होने देती। अच्छे से साफ करना, जो सलकल के मतलब जो हल्का हल्का जगह है वहां पे हल्का हल्का से ऐसे पिन आउट करके हल्का हल्का साफ करना, देन साफ करने के बाद आपको क्या करना है अपने यूजलेस ब्रश को जो यूज ना करते हो उसको लेना है, देन हल्का सा पेट्रोल हो या तो आपके पास थिनर हो, मैन से मांगना है उसके पास थिनर होगा क्योंकि ये सारी चीजें उड़ जाती है, मतलब पेट्रोल वेट्रोल रुकता नहीं कहीं उड़ जाता है, हल्का डिप करना है हल्का सा आगे वाले नोजल को पेट्रोल में डिप करना है, देन बोतल को साइड रख देनी, पेट्रोल आप गाड़ी से निकाल सकते हो थोड़ा सा कहीं से ले सकते हो, देन उसके बाद इस वाले को अपने हल्के हल्के इसमें डालना है और हल्के से ऐसे साफ करना है माइक और स्पीकर बचा के, देन इसको हल्के हल्के ऐसे से करके ऐसे करके साफ करना है हल्का, 2-3 ब्रश के 2-3 उसके पार्ट को लाइक इसमें डालना है धुप करना है, देन ऐसे करके साफ करना है और उसके बाद ऐसे करके साफ कर देना थोड़ा सा। इस तरह करने से आपका क्या होगा कि अंदर ही गंदगी साफ हो जाएगी जो पेट्रोल से, और पेट्रोल उड़ भी जाएगा और कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। उसके बाद थोड़ी देर सूखने देना है, फिर पूरी सांस भर के फूंक मारनी है, थोड़ा सा महक आएगा पेट्रोल की, अच्छा लगता है मेरे को जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपका फोन एक बार चार्ज करके देखना, जो आपकी प्रॉब्लम होगी ना लाइक ये घुसता नहीं होगा वो अच्छे से घुस जाएगा, चार्जिंग स्लो हो रही होगी वो भी अच्छी खासी ठीक चार्ज होने लगेगी, इस तरह आप अपने कॉस्ट से बच सकते हो, दुकान पे जाके पैसे देने से बच सकते हो, आपका फोन अच्छे से यूज भी होगा और आप बहुत ही बहुत प्राउड फील करोगे मेरे ऊपर। थैंक यू सर। तो कमेंट करके बताना ये यूजफुल है कि नहीं। सो सेकंड अमेजिंग ट्रिक है कि अपनी स्पीकरों के साफ करना, स्पीकर और ओपन वाले स्पीकर और माइक को साफ करना बहुत ईजी है। आपके पास एक सूखा ब्रश ध्यान है पेट्रोल उड़ गया होगा, सूख गया मेरा, ठीक है ना। तो सूखे ब्रश क्या करना है, आपको ये जो नोजल इनके स्पीकर के दिख रहे होंगे ना, आपको स्पीकर ये देखिए स्पीकर ध्यान से, स्पीकर की छेद है इनमें ऐसे हल्का हल्का ज्यादा नहीं अंदर डालना है, इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके साफ करना है, ऐसे ऐसे करके साफ करना है, ऐसे ऐसे करके
ऐसे करके साफ करने से क्या होगा, आपके जो डस्ट बैठे होते हैं ना पार्टिकल्स अंदर, हम डरते हैं कि स्पीकर टूट जाएगा, स्पीकर खराब है, ऐसा नहीं होता, स्पीकर खराब नहीं है, स्पीकर यहाँ होता है, स्पीकर यहाँ होता है, देन उसका जो आउटर आता है ना ये वो यहाँ पे आता है, देन उससे स्पीकर मतलब वहां पे आउटर आता है, देन आपको स्पीकर यहाँ से एक जाली लगी होती है जो आपको अंदर प्रोटेक्ट करती है स्पीकर गंदगी अंदर जाने से, उसी पे डस्ट जम जाते हैं, उसी को हम लोग साफ करने वाले हैं, स्पीकर हम लोग फाड़ने नहीं वाले हैं, चिंता मत करना स्पीकर यहाँ से नहीं फटेगा, ठीक है, उसको हल्का 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 साफ करना है, पेट्रोल वेट्रोल कुछ नहीं यूज करना है, सूखा ब्रश होना चाहिए, हल्का हल्का साफ करना है तो आपका स्पीकर साफ हो जाएगा। देन छोटी सी माइक बनी होगी, इन केस की माइक छोटी सी नहीं बनी होगी, लाइक मेरे में छोटी सी माइक, ये शेड दिख रहा होगा आपको, कभी कभी इस फोन टाइप के फोन में आपको एक ही तरह की स्पीकर की तरह माइक भी होती है, ध्यान रहे दोनों स्पीकर नहीं होता, एक माइक होती है एक स्पीकर होता है, देन स्पीकर में भी आप ऐसे से करो और माइक में भी ऐसे से करके आप साफ करते हो, इन केस ये वाला फोन है, अगर ये पतला वाला फोन है ये वाला कुछ डुबो मत देना, लाइक ब्रश का दो तीन टुकड़ा लेना एंड देन उसको ऐसे साफ करना हल्का 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 उस छेद में डाल के हल्का हल्का साफ कर देना एंड देन अच्छे से साफ करके फिर आउट कर देना, फूंक देना दोनों में एंड देन ईयरफोन जैक में भी थोड़ा सा डाल के ऐसे करना, पेट्रोल मत डालना, हल्का सा ऐसे करना, ऐसे हल्का सा करने के बाद फूंक मारना देन बूम, एंड ऊपर वाले स्पीकर में अगर आप साफ करना चाहते हो उसको भी हल्के से ऐसे करके आप ऐसे करके साफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी है, फूक मार दो एंड देन आपका बूम, आपका एवरीथिंग साफ हो चुका है, जो आपको दुकानदार आपसे पैसे लेके चार्ज ले करता है वो आप इंजीनियर बनके फ्री में खुद नहीं कर दिए। अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना, बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो चलते हैं नेक्स्ट। एंड द थर्ड ट्रिक ये है कि कैसे कभी कभी होता है ना कि आपके फोन जो चलता रहता है लेकिन नीचे का जो ये बटन वाला टच होता है ना कि बैक बटन, होम बटन और रीसेंट बटन, तीनों में से कुछ तीनों बटन तो खराब हो जाती है तो फिर एक बटन खराब हो जाती है, तो बैक वाली बटन खराब हो जाती है तो आप बैक नहीं कर सकते हो कि आप कितना प्रेस करते हो बैक नहीं होता, तो उसका एक इलाज है, पूछो कैसे, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर देन आपको वहां पे ये सॉफ्ट की नाम आपको दिखने लगा, थोड़ा सा एडजस्ट करो, ये सॉफ्ट की नाम का एक एप्लीकेशन होगा, वहां पे आपको जाके सॉफ्ट की नाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद जैसे मेरे में डाउनलोडेड हो गया, मान लीजिए मेरी ये नीचे वाली बटन खराब हो गई है तो मैं प्ले स्टोर पे जाके सॉफ्ट की बटन को डाउनलोड कर लेना है, देन उसके ओपन करना है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे सेटिंग एक्सेसिबिलिटी पे जाना है, वहां पे आपको यहाँ नीचे सॉफ्ट की ऑप्शन मिलेगा उस पर जाना है, देन उसे ऑन कर देना है, जैसे ही ऑन करेंगे ओके करना है, बैक करना है, बैक करना है, अगर बैक नहीं है तो आपका होम बटन कोई बटन नहीं काम करी, कुछ नहीं करना है, तो आप इसे रीस्टार्ट कर लेना है फोन, देन आप फिर ऐप को ओपन करना है, तो उसके बाद यहाँ पे आइकन्स होंगे, इस पे आइकन पर क्लिक करना, तो फिर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगी, उसको भी अलाउ कर देना, देन फिर बैक ऊपर से बैक कर लेना एंड देन उसके बाद चेंज लोकेशन, उसके बाद दो तीन बार करोगे तो नीचे आपको बटन दिख रही, आपको दिख रही होगी आई थिंक, ऊपर हल्का हल्का ये पॉइंट 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 दिख रहा होगा, तो ये एक्चुअली ये बटन है, ठीक है ना, तो ये बटन को आप यूज कर सकते हो, यूजली आप देखो मैं बड़ा करता हूँ साइज, इनकी साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो, उसके बाद ये देखिए बड़ी कर दिया मैंने साइज, आपको बैक बटन, होम बटन और रिसेंट बटन तीनों दिख रही है, आप यहां से बैक भी कर सकते हो, ये देखिए सब कुछ बैक हो रहा है, होम पे भी जा रहा है और रिसेंट भी खोल रहा है, मैं नीचे वाले बटन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्हीं बटनों को यूज कर रहा हूँ, ये देखिए रिसेंट एंड देन रिसेंट पे गया लाइक होम, लाइक ये बैक बटन भी काम करती है, लाइक कोई मैंने ओपन किया लाइक ये मान लीजिए थीम ओपन किया मैंने, सो मुझे बैक करना है तो मैं इसे बैक कर लूंगा, ऐसे ये बैक हो गया ना, मैंने बटन यूज नहीं किया, बहुत अमेजिंग ट्रिक है जिनका ये खराब हो गया नीचे से, जो लोग पूछते रहते मेरा खराब हो गया मुझे टच चेंज कराना चाहिए, अगर आपके पास बजट नहीं है आप घर से बाहर भी निकल पा रहे हो तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो, अगर आपका टच वाला नीचे टूट गया है, जैसे मेरे भाई का जो फोन है वो देखिए नीचे बहुत बुरा ब्रेक हो गया है, वो बैक बटन के साइड ही ब्रेक हुआ है, तो उसका बैक बटन नहीं काम कर रहा, तो मैंने उसमें एप्लीकेशन डाल दिया है, तो वो स्क्रीन पे आ गया है यहाँ ऊपर साइड, जो आराम से यूज कर लेता है, तो आप बहुत आसानी से इन ट्रिक को यूज करके अपने टूटे फोन को चला सकते हो कुछ और दिन तक, फिर कुछ लाइफ बना सकते हो, सो